Hello students, good morning. Myself Sashi Rai from Green Valley English School. In the class 12 political science, we were reading the challenges of nation building. Till this paragraph, we have read the trauma of partition. Now today we will start from this paragraph. So let's start. This was related to the fourth and the most intractable of all of the problems of partition. ये सबसे चौथा और सबसे intractable, जिसको टैक नहीं किया जा सकता था, वो ऐसा problem था partition का. This was the problem of minorities on both sides of the border. और ये किसके बारे में problem थी? Problem थी minorities के बारे में जो दोनों sides में थी. Means जहाँ पे majority जो थी, as you already know, पाकिस्तान में majority किसकी रहेगी? Muslims की. और इंडिया majority किसकी रहेगी? Hindus की. तो जो वहाँ पे माइनॉरिटी हुए, पाकिस्तान में माइनॉरिटी कौन हुआ? पाकिस्तान में माइनॉरिटी हुआ हिंदू. इन द सेम वे इंडिया में जो माइनॉरिटी हुआ वो मुस्लिम हुआ. सो जो माइनॉरिटीज थे दोनों साइड के, उन्होंने बहुत से प्रॉब्लम फेस किए. लाख्स ऑफ हिंदूज एंड सिक्स इन द एरिया दैट वर नाउ इन पाकिस्तान एंड इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम ऑन इंडियन साइड ऑफ पंजाब एंड बंगाल एंड टू सम एक्सटेंट दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज फाउंड देमसेल्फ ट्रैप्ड. और इसी वजह से जो बहुत से हिंदू और सिख थे जो पाकिस्तान में बॉर्डर के साइड रह रहे थे, इन द सेम वे इंडिया में जो मुस्लिम्स थे, इवन जो दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो लोग रहते थे, वो अपने आप को ट्रैप्ड महसूस किए, वो अपने आप को कहीं फंसा हुआ महसूस करने लगे. दे वर टू डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन होम इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज. और उनको कैसा महसूस होने लगा? दे वर डिस्कवर दैट दे वर अनडिजायरेबल एलियंस. वो अपने ही जगह, अपने घर में, अपनी ही ज़मीन पे एलियन जैसा महसूस करने लगे, क्योंकि लोग उनको पसंद नहीं कर रहे थे कि आप यहाँ से जाओ. ये सिचुएशन हो चुकी थी वहाँ पे. इन द लैंड वेयर दे एंड देयर एंसेस्टर्स हैड लिव्ड फॉर सेंचुरीज, जहाँ पे जिस ज़मीन पे उनके वो और उनके पूर्वज शताब्दी से रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं. एज सून एज इट बिकेम क्लियर दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड बिकम इजी टारगेट्स ऑफ अटैक. जैसा ही ये पता चला कि इट बिकम क्लियर दैट कंट्री वॉज गोइंग टू बी पार्टीशन, देश जो है उसका बंटवारा होने वाला है, द माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड बिकम द टारगेट. दोनों साइड की जो माइनॉरिटी थी, मीन्स इंडिया में जो मुस्लिम थे और पाकिस्तान में जो हिंदू थे, दोनों क्या करने लगे? इजी टारगेट ऑफ अटैक हो गए. दोनों को इजिली टारगेट किया गया, दोनों पर अटैक किया जाने लगा. नो वन हैड क्वाइट एंटिसिपेटेड द स्केल ऑफ दिस प्रॉब्लम, और किसी ने इसका अनुमान नहीं लगाया था कि ये भी समस्या खड़ी होगी. No one had any plans for handling this. और किसी के पास ये कोई प्लान भी नहीं था कि हाउ वी विल हैंडल इफ सच सिचुएशन अकर. इनिशियली द पीपल एंड द पॉलिटिकल लीडर्स केप्ट होपिंग दैट दिस वायलेंस वॉज टेम्पररी वुड बी कंट्रोल्ड सुन. और जब भी ये इरप्ट हुआ ये वायलेंस, तो जो भी हमारे यहाँ लीडर्स थे, नॉट हियर ओनली, इवन इन द पाकिस्तान, दे थॉट दैट इट विल डिसअपियर इन अ वेरी फ्यू मोमेंट, इन वेरी फ्यू मंथ्स, क्योंकि उनको लगा था टेम्पररी फेज है. It is for a temporary phase. But very soon the violence went out of control. But बहुत ही जल्दी ये पता चला कि जो violence था ये out of control हो गया. The minorities on both sides of the border were left with no option except to leave their homes, often at a few hour notice. और जितने भी थे minorities थे जो दोनों साइड में थे, उनके पास कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस नहीं बची थी एक्सेप्ट इसके अलावा कि वो अपने घर को छोड़ चले जाए. और उनके पास जो नोटिस मिली थी, जो सूचना मिली थी कि कब आपको छोड़ के जाना है, इट इज़ जस्ट फ्यू आवर्स. आप ही को कल को एक दो घंटे में मैं बता दूं कि आपको आपका घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ से, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपका कुछ नहीं है, हाउ यू विल फील? यू कैन नाउ फील वॉट वॉज दे वर फीलिंग दैट टाइम. ओके, नाउ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, व्हाट इज द आउटकम, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ पार्टीशन. द ईयर 1947 वाज द ईयर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट, मोस्ट एब्रप्ट, अनप्लान्ड एंड ट्रेजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन दैट ह्यूमन हिस्ट्री हैज नोन. ये दुनिया में, इवन इसको वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेशन कहा जाता है. 1947 का जो पार्टीशन था, उसमें इतना बड़ा ट्रांसफ़र हुआ लोगों का, पॉपुलेशन का, माइग्रेट की यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कितने लोग मारे गए, कितना लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ हुआ, ब्लड शेड हुआ, बस जस्ट बिकॉज ऑफ सम सिली इंटरेस्ट ऑफ सम पॉलिटिशियंस, दे आर फॉर दे आर नेम सेक, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड. सो इट वॉज अ ट्रेजिक, बहुत ट्रामेटिक, ट्रेजिक और पेनफुल था माइग्रेशन, जो कुछ भी था ये. और ये पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में जाना जाता है कि इतने वास्ट लेवल पे, इतने लार्ज स्केल पे कभी ह्यूमन का माइग्रेशन नहीं हुआ था. देर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, और दोनों तरफ से कुछ ना कुछ
न्यूज मिल रही थी कि यहाँ पे कुछ लोग मारे जा रहे हैं, यहाँ पे लोग मारे जा रहे हैं, ये खबर जैसे ही उस पर पहुँचती थी उसका ठीक एक्शन का रिएक्शन मिलता था और वहाँ पे भी लोगों को मारा जाता था। लोगों के साथ एट्रोसिटीज़ की जाती थी, बहुत तरह के दुराचार किए जाते थे उस समय, उनको मारा जाता था, इवन रेप और कमिटेड, इवन चाइल्ड वर असॉल्टेड। सो दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, देर वर किलिंग्स एंड एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन द नेम ऑफ रिलीजन। People of one community ruthlessly killed and maimed people of other community. सब धर्म के नाम पे एक दूसरे जानवर हो चुके थे, जाहिल हो चुके थे, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, वो भी ruthlessly, बिना किसी दया के, बिना किसी सिंपैथी के, बस they were chopping them, each one of them, just because they belong to, each one belong to a different religion. Cities like Lahore, अमृतसर, कोलकाता बिकेम डिवाइडेड इनटू कॉमनल जोन्स। और सिटी जैसे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता थी, ये कॉमनल जोन्स बन चुके थे। मुस्लिम्स वुड अवॉइड गोइंग इनटू एन एरिया वेयर मेनली हिंदूज और सिख्स लिव्स। सिमिलरली द हिंदूज एंड सिख्स स्टेड अवे फ्रॉम द एरियाज ऑफ मुस्लिम प्रीडोमिनेंस। दैट मीन्स जो मुस्लिम और मुस्लिम जो थे वो हिंदुओं और सिख के इलाके में जाने से डर रहे थे। इन द सेम वे जो सिख और हिंदू थे वो मुस्लिमों के इलाके में जाने से डर रहे थे, जहाँ जिसकी मेजोरिटी थी, जहाँ जिसका डोमिनेंस था। फोर्स टू अबैंडन देयर होम्स, मूव अक्रॉस बॉर्डर्स, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग। और जो इनको अबैंडन किया गया, अपने घर से निकाला गया, छोड़ने के लिए कहा गया, उनको फोर्स किया गया, दूसरे बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए कहा, पीपल वेंट थ्रू इमेंस सफरिंग, लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, बहुत दुर्दशा उनकी हुई। माइनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर फ्लेड देयर होम एंड ऑफन सिक्योर टेम्पररी शेल्टर इन रिफ्यूजी कैंप्स। और यहाँ पे शुरुआत होती है एक नई चीज़ की, वो होती है रिफ्यूजी कैंप्स फ्रॉम बोथ साइड्स। इंडिया से जो लोग पाकिस्तान में गए वो भी रिफ्यूजी कैंप में रहे, और जो पाकिस्तान से इंडिया में आए वो भी रिफ्यूजी कैंप में रहे। तो एक और नई चीज़ सामने आई, वो थी रिफ्यूजी कैंप, क्योंकि अल्टीमेटली उनको कोई ना कोई शेल्टर चाह रहा था, क्योंकि इतने वास्ट लेवल पे माइग्रेशन हुआ था कि उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं किया जाता कैसा हुआ था। क्योंकि हम आप उस चीज़ को अभी केवल इस किताब से समझ सकते हैं, जिसने उस चीज़ को फील किया है कभी उसके मुंह से सुनिएगा कैसे उसकी फीलिंग रही होगी। सो यहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स में लोग आके टेम्पररी शेल्टर में रहने लगे। दे ऑफन फाउंड अनहेल्पफुल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस इन वॉट वॉज टिल रिसेंटली देयर ओन कंट्री। और उनको कैसा महसूस हो रहा था, उनको अपने ही देश में महसूस हो रहा थी, उनको माइग्रेट करना पड़ा एक अदर रीजन से दूसरे रीजन में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस थी वो भी उनको कोई हेल्प नहीं कर पा रही थी। दे ट्रेवल टू अदर साइड ऑफ द न्यू बॉर्डर बाई ऑल सॉर्ट ऑफ मीन्स ऑफन बाई फुट। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो जरूरी नहीं था कि बॉर्डर क्रॉस किए थे तो थ्रू एरोप्लेन, थ्रू ट्रेन और थ्रू एनी बस और एनी अदर ट्रांसपोर्टेशन। बहुत लोग ऑन फुट पैदल ही चल दिए अपने घर से, और जो कुछ भी उनके पास कीमती रहा होगा उस समय उसको लिए और बॉर्डर क्रॉस कर गए। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक, किल्ड और रेप्ड। और ये भी हुआ कि बहुत बार इस जर्नी के दौरान जब वो ऑन फुट जर्नी कर रहे थे, या तो उनको मार दिया गया, या तो उनके ऊपर अटैक किया गया, इवन उनके साथ रेप भी हुआ। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर एबडक्टेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और दोनों तरफ से लगभग हजारों महिलाओं का एबडक्शन हो गया, उनको किडनैप कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया। थाउजेंड्स दे वर मेड टू कन्वर्ट टू द रिलीजन ऑफ एबडक्टर एंड वर फोर्स्ड इनटू मैरिज। और उनके साथ क्या हुआ, जब उनको एबडक्ट कर लिया गया तो उनको उनका जो रिलीजन था उसको कन्वर्ट करने के लिए उनको फोर्स किया गया। इवन जो एबडक्टर था, जो अगवा करने वाला था, उसके साथ उसको शादी करने के लिए उसके साथ मैरिज प्रपोजल भी उन्होंने स्वीकार कराया। इन मेनी केसेज वुमेन वर किल्ड बाई देयर ओन फैमिली मेम्बर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। अब बहुत से केसों में ये हुआ कि लोग अपने परिवार का सम्मान बचाने के लिए अपने घर की लड़की बहू बेटियों को मार दिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैमिली ऑनर, केवल परिवार की सम्मान और इज्जत के नाते उन्होंने अपने ही बहू बेटी को जान से मार दिया। मेनी चिल्ड्रेन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। बहुत से बच्चों को अपने माता पिता से दूर किया गया। दोज हु डिड मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दे हैड नो होम। और इसके बावजूद जो बच गए, जो बॉर्डर को क्रॉस कर लिए, दे फाउंड दे हैड नो होम, वो बिना घर के रह चुके थे, वो बेघर हो चुके थे, उनके पास कुछ नहीं था रहने को। फॉर लॉक्स ऑफ दिस रिफ्यूजीज द कंट्रीज फ्रीडम मीन्ट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स
एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स. बहुत से ऐसे रिफ्यूजीज थे जो इस शेल्टर्स में आके रखे गए थे फॉर टेम्पररी फेज. बट ये जो टेम्पररी फेज था उनके लिए वो किसी के लिए मंथ्स का था, बहुत लोगों के लिए ईयर्स का था. राइटर्स, पोएट्स एंड फिल्म मेकर्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एक्सप्रेस्ड रूथलेसनेस ऑफ दिस किलिंग एंड द सफरिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड वायलेंस इन देयर नॉवल्स. अब बहुत से राइटर्स थे, बहुत से पोएट्स थे, बहुत से फिल्म मेकर्स इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड्स थे. इन्होंने अपने मूवीज़ में, अपने कविताओं में, अपने लेख में इसका जिक्र किया कि कैसे ये रूथलेस किलिंग हो रही थी, निर्मम हत्याएं हो रही थी पूरे दोनों तरफ, बॉर्डर के दोनों तरफ. और उन्होंने उसको सफरिंग को पूरा अपने चित्रण किया है अपने नॉवल में, अपने फिल्म्स में. वाइल रिकाउंटिंग द ट्रामा ऑफ पार्टीशन दे हैव ऑफन यूज द फ्रेज दैट द सर्वाइवर देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज ए डिवीजन ऑफ हर्ट्स. मीन्स ये जब भी ट्रामा को उन्होंने रिकाउंट किया, उन्होंने ऑफन यूज किया इस फ्रेज को दैट सर्वाइवर्स देमसेल्व्स यूज टू डिस्क्राइब पार्टीशन एज. ये दिलों का बंटवारा था, ये केवल जमीन का बंटवारा या राष्ट्र का बंटवारा नहीं था. अल्टीमेटली इट वॉज डिवीजन ऑफ हर्ट्स, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने जगह, वेदर दे वर बिलोंगिंग टू इंडिया और पाकिस्तान, दे वर हैप्पी विथ ईच अदर. हिंदू को मुस्लिम से दिक्कत नहीं थी, मुस्लिम को सिख से दिक्कत नहीं थी, अल्टीमेटली किसी को किसी से दिक्कत नहीं थी. दे ऑल वर लिविंग पीसफुल्ली, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम ग्रीडी पॉलिटिशियन ऑल दिस हैपेंड, ऑल दिस पार्टीशन हैपेंड. द पार्टीशन वॉज नॉट मेरेली अ डिविजन ऑफ प्रॉपर्टीज, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और अ पॉलिटिकल डिविजन ऑफ द कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस. वॉट ऑल्सो गॉट डिवाइडेड वर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड थिंग्स लाइक टेबल्स, चेयर, टाइप राइटर्स, पेपर क्लिप्स, बुक्स एंड ऑल्सो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द पुलिस एंड पुलिस बैंड एंड द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज आर ऑल्सो डिवाइडेड. और ऐसा नहीं था कि लोग ही दोनों तरफ से डिवाइड हो रहे थे, बहुत सी चीज़ें डिवाइड हुई थी. सोचिए इसमें बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे फाइनेंशियल एसेट्स थी, चेयर्स, टेबल्स, टाइपराइटर्स, पेपर क्लिप्स. जो इंडिया की पुलिस थी, पाकिस्तान की पुलिस थी, उन्होंने आपस में बीच में बंटवारा किया. जो बैंड में जो मेंबर थे, उन्होंने आपस में बंटवारा किया कि कितने बैंड मेंबर पाकिस्तान जाएंगे. जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, वो भी बंटवारा हुआ उसका. ईच एंड एवरीवन, एक सिंगल पिन से लेके एक बड़े से हवाई जहाज तक, हर चीज़ डिवाइड की गई, हर चीज़ पार्टीशन किया गया. Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. और ऐसा estimate माना जाता है कि लगभग 80 लाख लोग, 80 lakh people migrated across the border. Means India to Pakistan and Pakistan to India migrate किए. Between 5 to 10 lakhs people were killed in the partition-related violence. And between 5 to 10 lakhs, 5 to 10 lakh लोगों की मृत्यु हो जाती है ड्यूरिंग दिस पार्टीशन. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट पैराग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू सो मच.